तो हजार बार हमारे मृदुल भाई के मुंह से डैम गुड सुनने के बाद मैंने भी सोचा क्यों ना इनके एक प्रोडक्ट को मंगा कर टेस्ट किया जाए, उसको ट्राई किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम वही करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में मैं लाइव टेस्ट करूंगा डैम गुड की इस डिटेन पैक का। मैं आपके सामने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, फर्स्ट टाइम यूज करूंगा, एंड जो भी इसे रिजल्ट मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा या साइड इफेक्ट मिलेगा वो सामने ही आपको दिखेगा। एंड दो दिन के बाद का भी मैं आपको क्लिप इसमें ऐड कर दूंगा, ताकि अगर मुझे इससे बाद में कोई साइड इफेक्ट हो तो वो भी आपको पता चल जाए। तो बस करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। तो ये रहा हमारा वो डिटेन पैक, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको साइड में दे दूंगा, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। मैं इसे खोलता हूं एंड इसे हम लोग लगाते हैं। इसे जैसे ही आप खोलोगे, ये पता नहीं है क्या डिब्बी सी मिलती है, इसके कोई काम नहीं है। तो ये रहा हमारा डिटेन पैक, इसे मैं अभी आपके सामने लगाता हूं। यार ये कोई साइड इफेक्ट ना दे दे, मेरी स्किन ऑलरेडी से सेंसिटिव है, मुझे जल्दी कोई प्रोडक्ट भी सूट नहीं करता है। इसे अगर सूट नहीं किया तो मुझे बहुत सारे पिंपल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। देख रहे हो गाइस आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो ये रहा हमारा डिटेन पैक, ये लग के रेडी हो चुका है एंड इसे हमें 20 मिनट तक रखने का है। तो मैं 20 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देता हूँ एंड उसके बाद मैं इसे वॉश करके आपको दिखाता हूँ। बस ये कोई साइड इफेक्ट ना दे दे, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी से सेंसिटिव है एंड मुझे जल्दी पिंपल की भी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ऑलरेडी मैंने 4 साल पिंपल की प्रॉब्लम झेला है और नहीं चाहता मुझे पिंपल की प्रॉब्लम हो। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है, जब मैं आपको मिलता हूँ 20 मिनट के बाद। तो गाइस 20 मिनट हो चुके हैं, इनके सूख भी चुका है, आप देख सकते हो। वैसे इसकी स्मेल काफी अच्छी है, तो इसे मैं वॉश करके आता हूँ। तो गाइस इसे मैंने वॉश कर लिया है, मुझे इसे अभी तो कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिली है। ऑब्वियसली अब एक बार से कोयले से हीरे तो बदल नहीं जाओगे, एक बार की यूज में यूज तो करते रहेंगे तो रिजल्ट तो मिल ही जाएगी। मुझे रिजल्ट की टेंशन नहीं है, बस मुझे थी कि इससे कोई इरिटेशन या कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो पिंपल वगैरह की। एंड इरिटेशन मुझे कुछ भी नहीं हुई, ना ही लगाने के वक्त हुई, ना ही लगाने के बाद हुई। एंड ऑब्वियसली पिंपल तो अब तुरंत तो निकल नहीं जाएगी, जैसे आपकी एक्स को देखकर आपकी निकल जाती है। सर मैं आपको अभी टाइम दिखा देता हूँ, 27 में सैटरडे हो रहा है एंड मैं 2 दिन बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। एंड 2 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इससे मुझे अगर कोई साइड इफेक्ट होती है, पिंपल वगैरह कुछ भी होता है, तो मैं आपको 2 दिन के बाद इसे सूट करके दिखाऊंगा। 2 दिन बाद इस कंटिन्यू करूंगा मैं इस वीडियो को। हाँ जी, तो मैंने जैसे बोला था कि 2 दिन बाद में सूट करूंगा, पर मैं भूल गया था। एंड ये वीडियो को जो मैं सूट कर रहा हूँ ये 1 वीक से ज़्यादा हो चुकी है, बट कोई ना, अगर मैं उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो लिटरली उसने मेरे स्किन पे इस प्रोडक्ट ने कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं की, कोई इरिटेशन नहीं हुई मुझे, कोई भी पिंपल की प्रॉब्लम नहीं हुई। लिटरली बहुत अच्छा काम करवाया है मृदुल भाई ने अपने प्रोडक्ट पे। मुझे लगा था मेरी स्किन पे ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड मुझे प्रोडक्ट सूट नहीं करती है जल्दी, बट स्टिल ये इसने सूट किया, कोई भी इरिटेशन नहीं हुई मुझे, कुछ भी पिंपल की प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, अब रिजल्ट भी कुछ खास ऐसे दिखा नहीं, ऑब्वियसली एक तो ये उसमें रिजल्ट दिखेगा भी नहीं एंड रिजल्ट की टेंशन थी भी नहीं मुझे। जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, वो तो पता ही है, कंटिन्यू यूज़ करोगे तो इफेक्ट तो दिखेगा ही, बट मुझे डर थी वही स्किन इरिटेशन की, पिंपल्स की, वैसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप जाके यूज़ कर सकते हो, इसको ले सकते हो। एंड बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में तो पूछ ही सकते हो।